है बच्चा, किसकी टर्न रहेगी बेटा? मैं मैं हमारी पढ़ो। मैं हाँ जी हम पढ़ो मैडम। हाँ पढ़े जी आप पढ़ो मैम, हम पढ़े। बेटा। नवनीत पढ़ेगा अभी, नवनीत की टर्न रहती है अभी। ओके नवनीत आप पढ़ो। वी हैव रीड इन ईयरली क्लासेस दैट प्लांट्स कैन इयरली नहीं आल्सो होता बेटा, ग्रो। अर्लियर। अर्लियर मैम, क्लासेस दैट प्लांट्स कैन अलसो ग्रो फ्रॉम अदर प्लांट्स सीड्स डिसाइडस देयर प्लांट्स मैनी बिसाइड्स द सीड। हाँ जी, दीज पार्ट्स मैम दीस पार्ट्स मैनी वी मे बी रूट्स वी 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 स्टीम और द लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट लाइक रोज ग्रो फॉर स्टीम कटिंग्स। प्लांट्स लाइक स्वीट पटाटो एंड इटालिया ग्रो फ्रॉम रूट्स। प्लांट्स लाइक वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट बिगोनी बच्चा। एंड ब्राइफाइट हाँ जी हाँ जी आप करो। ब्राइफ फॉलियम ग्रो फ्रॉम लीव। एंड ग्रो फॉर फ्रॉम लीव। अ कॉमन एग्जाम्पल फॉर प्लांट दैट ऑफ प्लांट ग्रो फॉर स्टीम स्टेम इन अ पटैटो। स्टेम। हम हाँ वी ऑलरेडी नो। वी ऑलरेडी नो दैट पटैटो इज अंडरग्राउंड स्टीम दैट स्टोरीज ऑफ फूड्स फूड स्टोर्स ऑफ फूड इट हैज बर्ड्स बर्ड्स नाउ नाउ एज हाँ आई नो इट इट प्लांट्स कैन ए। हाँ जी हाँ जी ठीक है बेटा, शाबाश बेटा। देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के बारे में समझाया था, सभी बच्चों को, सभी को समझ आ गया था ना उसके बारे में। आज इसके बेटा कितने पैराग्राफ आए हैं, उनमें क्या आया है देखो। फर्स्ट है बेटा डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट। डिस्पर्सल सीड को खिलाने वाले, सबसे पहला तो कहते बेटा बाइंड है। कई सीड पौधे ऐसे होते हैं जो हवा उनके सीड्स हवा के द्वारा फैल जाते हैं। जब हवा के द्वारा बीज फैल जाते हैं कहीं कहीं पे जाके, वो अपने आप मिट्टी में मिल जाते हैं और अपने आप उग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा वाटर। वाटर क्या है? द सीड और फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर और इन वाटर एदर स्पॉन्जी और फाइबर, है ना। इट्स एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। वाटर देन कैरी, जब बेटा पानी चलता है, पानी सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाता है। कहीं पे जाके उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है, सॉयल मिलती है, तो वो सीड वहीं पे उग जाते हैं जाके, ठीक है। पानी में मींज तैयार के चले जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स। कई एनिमल्स होते हैं बेटा, एप्पल वगैरह लगा लो, एप्पल वगैरह जब मैंगो, कई प्लांट्स होते हैं वो एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एंड वो खाने के बाद उसका जो सीड होता है कहीं भी फेंक देते हैं, तो सीड को डिस्पर्सल करने में एनिमल भी हेल्प करते हैं। कई बार उन जहाँ पे वो सीड डिग जाता है उस पे मिट्टी पड़ जाती है, अपने आप पानी मिलता है उसको, तो वो सीड उग जाते हैं। कई बार सीड जो ऐसे उगते हैं बेटा, जैसे वो फ्रूट को बिद्दूस के सीड के साथ ही खा लेते हैं, फूड भी खा लेते हैं, उस जो फ्रूट होता है उसका सीड भी लंगा जाते हैं, स्वेलो कर जाते हैं। फिर बेटा जब अनडाइजेस्टेड सीड होता है वो उसको बाहर निकालते हैं, तो वो वाला सीड भी कहीं ना कहीं कहीं पे गिर के सॉयल में मिक्स होके एक प्लांट के रूप में उग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अपना एक्सप्लोजन।
फ्रूट्स स्कैटर देयर सीड्स बाय एक्सप्लोडिंग सीड पॉड वेयर द सीड आर राइप एंड द पॉड्स हैव ड्राइड. वो खुद जो बेटा कई बार सीड कई सीड ऐसे होते हैं जब उनका वो पक जाते हैं पूरे तरह पक जाते हैं वो खुद अपने आप झड़ जाते हैं, झड़ के नीचे मिट्टी पे में गिर जाते हैं, तो वो अपने आप जैसे कुकम्बर वगैरह है वो अपने आप आगे न्यू प्लांट्स उग जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट. मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया था कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रिप्रोडक्शन उनके अपने पार्ट से होती है. बेटा मुझे ये वाला लीफ मैंने देखा हुआ है, अगर ये देखो ये ऐसे प्लांट पे लगा हुआ है, ये खुद ही अपने आप इसके लीफ में ऐसे ही प्लांट न्यू बेबी प्लांट उग जाता है. ठीक है, जैसे एक पत्थर चट सुना है ना सभी बच्चों ने, वो लीफ को अगर हम मिट्टी में लगाते हैं उसके सेंटर में हम मिट्टी डाल दें मिट्टी में लगा के, तो वो उसके भी ऐसे बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं और एक लीफ से 5-6 प्लांट तो निकल ही आते हैं निक्के निक्के बेबी प्लांट. ठीक है, ऐसे पोटैटो हैं जो जमीन में होते हैं रूट्स पे, रूट्स के आगे जब जैसे जैसे रूट्स बढ़ती जाती है ना एक आलू से बहुत सारे आलू हो जाते हैं आगे बड़े बड़े, जब उसका सीड होता है जो निके निके पोटैटो से लगाए जाते हैं, तो उसकी जैसे जैसे रूट्स बढ़ती जाती हैं वैसे ये जैसे ये पिक में दिखाया हुआ है नेक्स्ट ऐसे बहुत ज्यादा आगे आगे बढ़ जाते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ गया अपना क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर. चमनप्रीत आपकी आज पिक आ रही है बेटा, आप ऐसी रुक जाती है आपकी हर बार. क्रॉप एंड एग्रीकल्चर पढ़ो बेटा. क्रॉप एंड एग्रीकल्चर बेटा. चमन आपको आवाज आ रही है बेटा? मैम आपकी बात कट करके चले. अच्छा मैम ये मीनकुंश कौन है? 45 मीनकुंश 50 डाल रखा है जिसने. मैम गलती से मैम सेक्शन लग हो गया. आपका नाम क्या है बेटा? मैम मीनकुंश. मीनकुंश आप कौन से सेक्शन में हो? आपका तो नाम ही नहीं मेरे पास मीनकुंश का. मैम आई एम सेक्शन डी. सी एस. आपका नाम पूरा मीनकुंश है या अंकुश है? मैम मीनकुंश कुमार पावा. ओके ओके, आपकी मुझे स्क्रीन तो शो नहीं हो रही, वीडियो ऑन करो अपनी. मैम माय वीडियो इज नॉट ऑन. मैम ऑन ही नहीं हो रही. मैम मैं कब का ऑन कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है बेटा. चलो बेटा चमनप्रीत चलो ठीक है चुप करो. चमनप्रीत रीडिंग करो बेटा क्रॉप एंड एग्रीकल्चर से. अनम्यूट हो जाओ बच्चे पहले. अनम्यूट बच्चे अनम्यूट हो जाओ पहले. सहज बेटा बाकी बच्चे क्यों बोली जा रहे हैं? अरमान के साथ कौन सा बच्चा बैठा है? मैम क्या हमारे पास रॉबिन है? आपस में ना बोलो, चलो करो रीडिंग. क्रॉप एंड एग्रीकल्चर चलो बेटा. आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट हो जाओ पहले. प्लांट्स प्रोवाइड्स ऑफ ऑक्सीजन. हाँ जी
फूड ऑक्सीजन मेडिसिन। डरो ना बेटा, अगर आप करोगे तभी मैं आपको सही बताऊंगी। टाइम्बर, हाँ जी टिम्बर, टाइम्बर एक्सेट्रा, टिम्बर ईटीसी, टू अस वी ग्रो प्लांट ऑन अ लार्ज, ऑन अ लार्ज स्केल, ऑन अ लार्ज स्केल so that we can get enough food and other food, आप खाना खाने को food बोल, हाँ food and other provides products to fulfill Fulfill our needs. This practice is practice of growing plants on a large scale for plants or other for food or plants. प्रोडक्ट है, ध्यान से बच्चे, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, हाँ जी एग्रीकल्चर। Lavish, have a see Lavish have a see stop Lavish हाँ जी बेटा next page से शुरू से करो reading का मैम ओके Lavish पहले मुझे एक बात बताओगे आपने भरा था ना iPhone 11 है ना बेटा आईफोन 11 क्यों भरा था आपने आपने बेटा जब पहले क्लास में ज्वाइन हुए थे आपने आईफोन 11 नहीं भरना अपनी क्लास नेम प्लस आईडी लिखनी है ओनली ठीक है चलो अनम्यूट हो जाओ रीडिंग करो ये अभी गोट कौन सा है बच्चा अभी ज्योत ने अभी गोट क्यों लिखा है चलो बेटा लविश रीडिंग करो यू मस्ट हैव सीन दैट प्लांट ऑफ द सेम काइंड हाँ सेम काइंड आर ग्रोन इन वन हाँ जी फील्ड फील्ड फॉर एग्जांपल हाँ जी इन इन पार्टिकुलर फील्ड फील्ड यू विल सी ओनली हाँ जी वीट प्लांट और ओनली राइस प्लांट यू विल नेवर और ओनली राइस प्लांट यू विल नेवर नेवर फाइंड अ हाँ फील्ड फील्ड पार्टिकुलर एरिया इन क्रॉप grown
इज कॉल्ड फॉर्म फॉर्म हाँ हाँ एंड द पर्सन इज नॉट क्लियर द पर्सन हु वर्क ऑन फार्म कॉल्ड फार्मर फिर ठीक है बेटा नेक्स्ट देखो वाइल ग्रोइंग पार्टिकुलर क्रॉप्स द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड नीचे थोड़े स्टेप्स दिए हुए हैं मैं ही रीड कर देती हूँ उनको टाइम हो गया अपना ठीक है डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल द सीड शुड बी सोन इन द राइट टाइप ऑफ सोइल पहले तो मिट्टी सही होनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट कोई भी अलग अलग टाइप के जो सीड है अलग अलग होते हैं ठीक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गुड क्वालिटी सीड ये तो सबसे मेन बात है जो गुड सीड्स हैं वो गुड क्वालिटी के होने चाहिए और अदरवाइज वी विल नॉट ऑब्टेन गुड एंड हेल्थी क्रॉप अदरवाइज हमें फसल है जो अच्छी नहीं मिलेगी डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन फॉर एग्जाम्पल सम क्रॉप्स राइस मेज ग्रोन इन समर जून टू अक्टूबर these are खरीफ क्रॉप्स ये खरीफ क्रॉप्स होती हैं जो जून से अक्टूबर तक होती हैं अभी देखो कौन सी आएगी राइस ही बीजेंगे ना आगे जीरी वगैरह मेज मक्की होएगी आगे क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन नवंबर टू अप्रैल रबी क्रॉप्स बोलते हैं रबी फसल ठीक है दस इट्स इम्पोर्टेंट टू शो राइट सीड इन टू द राइट तो बेटा सीजन अगर हम इस मौसम में कणक बीजेंगे तो कणक तो नहीं होगी अभी ठीक है नेक्स्ट है द फील्ड वेयर क्रॉप्स ग्रोइंग शुड प्रॉपरली बेटा प्लीज आपस में ना बोलो अरमान वेट बेटा The field where crop growing should properly irrigating बाकी बेटा उसको देखो पानी वगैरह वाटरिंग वो अच्छी देनी है हमने ठीक है अगर फसल को जैसे जीरी अगर उसको पानी चाहिए अगर हम उसको सूखा रखेंगे तो वो भी अच्छी तरीके से नहीं होगी है ना नेक्स्ट है द क्रॉप्स इज प्रोन टू डैमेज बाय पेस्ट वर्ड्स ग्रेजिंग इससे भी हमने प्रोटेक्ट करनी है कोई भी दवाई का छिड़काव ज्यादा नहीं करना एनिमल ग्रेजिंग ना कर दे बर्ड्स ना पकड़ दे उसको वो चीजों से भी उसको ध्यान में रखना है तभी फसल अच्छी हो पाएगी नेक्स्ट हमारा बुक वर्क है बेटा वो पहले तो खुद कोशिश करनी है फाइंड करने की वरना हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड कर लेंगे ठीक है बच्चे हाँ जी अरमान अभी बताओ आप क्यों बोली जा रहे हो मैम यस बेटा नवनीत मैम अपने मैम विन मैम विन को हम यूविला से लिख सकते हैं किसका बेटा मैम विन का मैम वर्ड मिनी में किसका बेटा मैम मैम सब्जेक्ट पूछ रही हां जी किस सब्जेक्ट का मैम इंग्लिश कौन सा वर्ड है मैम विन ऐसे करो आप मुझे बाद में भेजना वो बाद में भेजना अभी अपना मीटिंग एंड हो रही है ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना ये क्या कर रहे हो